कंडीशनल स्टेटमेंट है मतलब ये जो हमारा बुलियन कंडीशन है ये ट्रू रहता है इफ़ द कंडीशन नेवर गेट फॉल देन द लूप कीप एग्जीक्यूटिंग अगर हमारी कंडीशन कभी भी फॉज नहीं होती तो लूप हमारा इन्फिनाइट लूप हो जाता है और वो लगातार एग्जीक्यूट होता रहता है सो वाइल्ड लूप का सिंटैक्स ऑफ कोर्स फॉर लूप से अलग है यहाँ पर अपना इनिशलाइज पहले लिखते हैं फिर वाइल्ड के अंदर हम अपना बुलियन कंडीशन लिख देते हैं फिर यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे एंड देन अपडेट मतलब आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ वर्क करेगा आपका जो इनिशलाइज हम कर रहे थे int equal to one या जीरो अपने हिसाब से ये तो वो वो हम यहाँ पे करेंगे एंड देन हम आगे वाइल्ड लूप की वर्किंग जानेंगे तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं वाइल्ड लूप हमारा कैसे वर्क करता है मैंने यहाँ फॉर लूप के बारे में आप लोग को बताया था कि हमने प्रिंट किया था नंबर वन से लेकर टेन तक के फॉर लूप में अब अगर मुझे ये वाइल्ड लूप में करना है सेम चीज तो मैं कैसे करूंगी So, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वाइल्ड लूप का यूज करके अपने वही वन से लेकर टेन तक के नंबर्स को प्रिंट किया है ये हमारे इनिशलाइजर है हम यहाँ पे लूप लिखने से पहले ऊपर इनिशलाइज करते हैं फॉर में हम अपने ब्रैकेट्स के अंदर कर देते थे वाइल्ड में हम के अंदर सिर्फ हम कंडीशन लिखते हैं अपनी बुलियन कंडीशन फॉर में हम पैरामीटर के अंदर ही अपना अपडेट वाला स्टेटमेंट लिखते थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे अपने सारे अपने बॉडी के स्टेटमेंट्स लिखने के बाद फिर हम अपने अपडेट स्टेटमेंट्स लिखते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जैसा भी हमें अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है सो आई होप आपको वाइल्ड लूप सही से समझ में आया है फॉर और वाइल्ड जो क्वेश्चंस मैंने आपको फॉर के लिए दिए थे सेम वही क्वेश्चन मैं आपको वाइल्ड के लिए भी कहूंगी सो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाइएगा जो क्वेश्चन आप फॉर लूप से सॉल्व कर रहे हैं वही सेम क्वेश्चन आप वाइल्ड लूप से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा एंड गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एंड गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे जावर ट्यूटोरियल टॉवर सीरीज में टेन लेक्चर्स ऑलमोस्ट अपलोड हो गए हैं एंड ऑल भी लेक्चर्स यहाँ पे शेड्यूल्ड हैं जो की आपको टाइम टू टाइम बिटवीन टू टू थ्री डेज आपको मिलते रहेंगे तो प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो हमने यहाँ पे जावर तो ट्यूटोरियल टॉ के सीज में टेन लेक्चर्स ऑलमोस्ट अपलोड हो गए हैं एंड ऑल भी लेक्चर्स यहाँ पे शेड्यूल्ड हैं जो की आपको टाइम टू टाइम बिटवीन टू टू थ्री डेज आपको मिलते रहेंगे सो तो प्लीज पेल इसको फॉलो करिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको प्रोवाइडेड है प्लीज आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ पे जाके अपने वन टू वन इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं थैंक यू हेलो गाइस वेलकम टू चैनल प्रदीप दिस इज सिंह और हम अपने कंट्रोल फ्लो के सेक्शन पे आ गए हैं अब डू लूप के टॉपिक पे सो so, जैसा कि पहले हमने फॉर लूप समझा था फिर हमने वाइल्ड लूप समझा फिर अब हम आ गए हैं डू वाइल के टॉपिक पे डू वाइल लूप की जो वर्किंग होती है ऑलमोस्ट काफी ज्यादा सिमिलर होती है वाइल्ड लूप जैसी इसका सिंटैक्स भी काफी ज्यादा सिमिलर होता है वाइल्ड लूप जैसा बस इसमें सिर्फ एक चीज डिफरेंट होती है कि यहाँ पे कम से कम हमारा एक स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा जो हम डू के अंदर लिखते हैं तो चलिए आइए पहले इसका सिंटैक्स समझते हैं सिंटैक्स से पहले हम अपना कोड इनस्लाइज करते हैं हम हमें अपना जो भी इनस्लाइज करना होगा वेरिएबल पहले हम वो करेंगे फिर डू के अंदर हम अपना कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं बिना कंडीशन चेक किए कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स फिर हम यहाँ पे अपना अपडेट का स्टेटमेंट लिखते हैं चाहे हम हमें इंक्रीमेंट करना हो या डिक्रीमेंट करना हो या जो भी फिर हम अपनी वाइल की कंडीशन लिखते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहाँ हमारी जो वाइल की कंडीशन है ये बाद में चेक करी है ये ट्रू है या फॉल्स हम वाइल्ड लूप में क्या करते थे वाइल्ड लूप में सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते थे फिर कोड एग्जीक्यूट करते थे बट यहाँ पे डू ये कह रहा है पहले ही कोड एग्जीक्यूट कर दो फिर अपडेट करो और फिर कंडीशन चेक करो चलिए आइए इसकी वर्किंग समझते हैं प्रैक्टिकली सो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे फॉर्क का समझ रहा था एंड इन ही समझा था एंड नाउ हम अब यहाँ पे इसमें डू वाइल्ड लूप के बारे में समझेंगे तो पहले हम अपना शायद इसी कोड को यूज कर लेते हैं तो so गाइस यहाँ पे हमारा जो वाइल्ड का स्टेटमेंट था ये ये कह रहा था कि अगर हमारा जो आई है ये टेन से या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए अगर ये आई से बड़ा हुआ तो ये वाइल्ड फॉल्स हो जाएगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा तो अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को इलेवन कर दूँ तो क्या हमारी जो वैल्यूज यहाँ पे वन से लेकर टेन तक प्रिंट हो रही थी वो होंगी आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके भी नीचे वीडियो पे कमेंट कर देना फिलहाल मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्यों प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारा वाइल्ड स्टेटमेंट के अंदर जैसे ही आया इसने चेक किया कि इलेवन टेन से ना ही छोटा है ना ही उसके बराबर है तो इसने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया बट अगर हमने यहाँ पे सिक्स कर दिया तो इसने सिक्स से लेकर बाद तक के मतलब हमने यहाँ पे इनिशलाइज में सिक्स लिखा तो सिक्स से लेकर टेन तक के इसमारी वैल्यूज प्रिंट कर दी बट अब हम चाहते हैं कि ये इस कंडीशन चेक ही ना करे पहले हमारा जो स्टेटमेंट हम जो चाहते हैं प्रिंट करवाना ये वो प्रिंट करे तो उसके लिए हमें पहले यहां पे डू का यूज करना होगा सो so, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया एंड यहां पे आप देख सकते हो इसने सिक्स से लेकर हमारे टेन तक की वैल्यूज प्रिंट कर दिए आप कहोगे तो सिमिलरली वर्क कर रहा है डिफरेंस क्या है डिफरेंस डिफरेंस अब आप समझे होंगे डिफरेंस हमारा ये है कि इसने मैंने यहाँ पे इनिशलाइज किया है इलेवन अब यहाँ पे वाइल के अंदर जो कंडीशन लिखी है फॉल्स है बट स्टिल जब इसके अंदर ये आया तो पहले इसने हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स होने के बाद भी उसे एग्जीक्यूट कर दिया आगे चेक नहीं किया फर्दर उसको प्रोसीड नहीं किया लूप जैसे हमारे इस लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है इसने वो प्रोसेस नहीं किया बट हमारा जो पहला कंडीशन इस पर आया इसने वो स्टेटमेंट हमारा प्रिंट कर दिया सो आई होप मुझे लगता है कि आप इसकी वर्किंग समझ गए होंगे डू वाइल और वाइल के बीच में डिफरेंस भी समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगर आपको कोई भी ऐसे डाउट्स आते हैं जो आपको सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने के बाद भी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपके ऑलमोस्ट सारे ही डाउट्स क्लियर कर दूंगी एंड गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे जावर टू की सीरीज में टेन लेक्चर्स ऑलमोस्ट अपलोड हो गए हैं एंड ऑल भी लेक्चर्स पे शेड्यूल्ड हैं जो की आपको टाइम टू टाइम बिटवीन टू टू थ्री डेज आपको मिलते रहेंगे तो प्लीज प्ले को फॉलो करिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो एंड हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज ज्वाइन बटन पे क्लिक करिएगा थैंक यू